प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा चार का सामाजिक विज्ञान अध्याय तीन। कक्षा चार का सामाजिक विज्ञान अध्याय तीन। अध्याय तीन है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। भारत के उत्तरी मैदान को हिमालय का उपहार कहा जाता है। भारत का जो उत्तरी मैदान है उसे हिमालय का उपहार, हिमालय का उपहार, उपहार का क्या होता है, हिमालय का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस मैदान में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां निरंतर उपजाऊ मिट्टी जमा करती हैं। जो इस पहाड़ से, इस मैदान से जो हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं वो निरंतर उपजाऊ मिट्टी जमा करती हैं तथा हिमालय पर्वत के कारण ही इस मैदान में वर्षा होती है। हिमालय पर्वत एशिया में आने वाली ठंडी पवनों की इस मैदान में प्रवेश करने से रोकता है। यह मैदान भारत के घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तथा इसमें कृषि के साथ साथ अनेक उद्योगों का भी विकास हुआ है। उत्तर का विशाल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। उत्तर का जो विशाल मैदान है वो विश्व में उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इस मैदान में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता रहता है। यह मैदानी क्षेत्र पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक लगभग 2500 किमी तक फैला है। पश्चिम में इस मैदान की चौड़ाई ज़्यादा है तथा पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है और पूर्व साइड में इसकी चौड़ाई कम है। यह मैदान मुख्य रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों से बना है। अब देखते हैं सिंधु नदी के क्षेत्र। सिंधु नदी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत से निकलती है। यह नदी हिमालय से होती हुई जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तथा इसके पश्चात पंजाब से होती हुई पाकिस्तान क्षेत्र में प्रवेश करती है और अंत में अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु की पांच प्रमुख सहायक नदियां हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम, ये पांचें प्रमुख नदियां, सहायक नदियां हैं। भारतीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से सतलुज बेसिन ही आता है। शेष भाग पाकिस्तानी क्षेत्र में है अतः उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिमी भाग को सतलुज बेसिन कहा जाता है। ब्यास नदी का कुछ भाग ही भारतीय क्षेत्र में इसके अंतर्गत
पंजाब, मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं। इस मैदान में वर्षा कम होती है, परंतु विभिन्न नहरों, ट्यूबवेलों तथा कुओं की सिंचाई की जाती है। इनके अंतर्गत तो जो मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा दो ही राज्य आते हैं। इस मैदान में वर्षा कम होती है परंतु विभिन्न नहरों, वर्षा कम होने के कारण नहरों और ट्यूबवेलों तथा कुओं से सिंचाई की जाती है। सिंधु नदी भारत पाकिस्तान दोनों देशों से होकर बहती है। अतः इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच एक संधि की गई है। धन्यवाद।